आवारा कुत्तों के बढ़ते झुंड की वजह से आए दिन रास्तों पर घटनाएं हो रही हैं। पता नहीं कब कहां से कोई कुत्ता आ जाए और आप पर हमला बोल दे। इन दिनों शहर के मुख्य मार्ग बाजार चौक, गडकरी चौक, होली चौक आदि के साथ साथ गली कूचे में भी आवारा कुत्तों का आप पर हमला हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता। साथ अब जब सुबह शाम सैर सपाटा करने वालों का हो तो इन आवारा कुत्तों का डर सताने लगा है। वहीं शहर की जनता काटोल में एक बच्ची पर हुए कुत्ते के हमले जैसे घटना की पुनरावृत्ति के डर से पालक वर्ग की चिंताएं भी बढ़ने लगी हैं। ऐसा ही हादसा सुबह चहलकदमी हेतु निकले शिक्षक दामोदर डहाके पर छिंदवाड़ा रोड पर स्थित मंगल बार के सामने अचानक आवारा कुत्तों ने हमला बोल दिया। समय सूचकता तथा सावधानी कर उन्होंने खुद को सुरक्षित तो कर लिया, लेकिन कुछ पल के लिए उनकी जान हलक में आ गई। उक्त घटना की जानकारी माजी नगर उपाध्यक्ष और समाज सेवी गोपाल घटे को देकर इसकी उपाय योजना करने की विनती की। शहर में बढ़ते कुत्तों के आतंक से चिंतित आम जनता को राहत दिलाने तथा शहर के सड़कों पर बेखौफ घूम रहे तथा हादसों का पर्याय बन रहे इन आवारा कुत्तों तथा पशुओं से निजात दिलाने हेतु समाज सेवी गोपाल घटे के नेतृत्व में मुख्या अधिकारी हर्षला रानी को ज्ञापन सौंपकर शहर की सड़क के आवारा पशुओं से शीघ्रता से मुक्त कराने की मांग की गई। तो वहीं मुख्या अधिकारी हर्षला रानी ने इस गंभीर विषय का संज्ञान लेकर इस पर तत्काल उपाय योजना कर निजात दिलाने के आदेश अपने अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों को दिए। साथ ही रास्तों पर अवैध रूप से घूम रहे मवेशी पालनकर्ताओं से भी अपील की है कि वे अपने पशुधन को शहर के रास्तों पर ना छोड़े, अन्यथा उन पर भी कार्रवाई करने की बात इस अवसर पर उन्होंने कही। NBC न्यूज के लिए संवाददाता किशोर ढूंढेले की रिपोर्ट।